हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्सरा अकाउंट कैसे बनाना है। तो अप्सरा अकाउंट बनाने के लिए आपको अप्सरा का एक मशीन होता है, वहाँ पे जाना है। अभी हम है जुबेल में, जुबेल सिटी में, जुबेल मॉल के नीचे ही अप्सरा का एक मशीन है। तो चलिए देखते हैं अप्सरा को कैसे एक्टिवेट करना है। सऊदी में आने वाले नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने इसी तरह के वीडियो में हमारे चैनल पर लाता रहूँगा। देखिए दोस्तों, ये सब अप्सरा बनाने के लाइन में खड़े हुए हैं। तो आपको अप्सरा मशीन पर जाना है, एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। बाद में वहाँ पे आपको आपका एहकामा नंबर डालना है, इकामा आईडी जो है वो। इकामा आईडी डालने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर को यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैसे करना है देखिए आगे वीडियो में। ये मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब आपको राइट हैंड का यहाँ से नीचे फिंगर का एक ऑप्शन दिया जाएगा, फिंगर वेरीफाई करना है, ठीक है। वन बाय वन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आपको फिंगर को वेरीफाई करना है। तो अभी प्रोसेस हो रहा है, देखिए। अब लेफ्ट हैंड का हमें वेरीफाई करना है फिंगर। नीचे ही ऑप्शन दिया गया है फिंगर के लिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। OTP फिलअप करोगे तो आपका अप्सरा अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। OTP फिलअप करने के बाद यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ राइट टिक मार्क करके एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे टिक करके आपको नीचे एक्टिवेट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका अप्सरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस क्या है, तो आप हमारी डिस्प्ले पर जो वेबसाइट देख रहे हो उस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। ये आप अप्सरा अकाउंट एक्टिवेट करने से पहले ही कर लो तो अच्छा है। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स, इकामा आईडी, यूज़र नेम में आप आपका इकामा आईडी डाल सकते हो, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वो सब डालना है। तो आपको अप्सरा बनाने के लिए इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपका इकामा नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, फिर आपका लैंग्वेज कौन सा है, मोबाइल नंबर डालना है। तो आपको एक्टिवेट करने से पहले ही यहाँ पर वेबसाइट पर अकाउंट अप्सरा अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप जब अप्सरा अकाउंट बनाने के एक्टिवेट करने के लिए अप्सरा मशीन पे जाओगे तो वहाँ पे जाकर मैंने जैसे बताया आपको अप्सरा अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सऊदी अरब में रहने वाले सभी भाइयों से गुजारिश है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।